हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस n स्क्वायर x प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इनके रूट्स और कोफिशियंट में क्या रिलेशन होता है? अगर इनके दो रूट्स हों अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस n स्क्वायर x प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4 इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2। b की वैल्यू मिलेगी माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस n स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4। अब देखिए, यहां पर अगर हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करें तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और b की वैल्यू पहले से ही माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस, b की वैल्यू हो गई 1 प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 अपॉन में a की वैल्यू है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर निकाले तो वो आ जाएगी c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4 और अपॉन में a यानी कि 2, ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, एक आइडेंटिटी, विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, फॉर्मूला लगा दिया यहां पर। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग पुट कर सकते हैं 1 प्लस एन स्क्वायर, और इसका है होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उसको एज इट इज लिख लेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन 2? 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू द पावर 4 होल अपॉन 2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देन वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मींस 2n स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू द पावर 4। अब देखिए, यहां पर एक तो ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा यहां पर n टू द पावर 4 से n टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा, देन वी गेट 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 2n स्क्वायर माइनस 1n स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू वी गेट n स्क्वायर, विच इज ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।